पंचायती राज संस्थाओं की बैठक को कार्यवृत कैसे बनाएं? ग्राम सभा की मीटिंग में उठाए गए सभी मुद्दों को अच्छे प्रकार से नोट करना व लिखना पंचायतों के लिए महत्वपूर्ण है। वे मुखिया मंडल की बैठक के आधिकारिक और कानूनी रिकॉर्ड के रूप में कार्य करते हैं। कार्य की प्रगति पर नजर रखने, भविष्य की योजनाओं का विवरण देने और संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करने सहित विभिन्न तरीकों से मिनटों का उपयोग किया जाता है। अन्य बातों के अलावा मीटिंग के मिनट्स में बैठक के लिए किए गए हर एक निर्णय तथा वोटिंग इत्यादि का रिकॉर्ड होना चाहिए। ये ग्राम पंचायतों की बैठकें और उनसे संबंधित मामले संचालित करने के लिए सिद्धांतों के एक सेट को निर्धारित करती है। पंचायत मीटिंग का विस्तारण, क्लियर डेज, इसका अर्थ है नोटिस के प्रेषण के दिन का दिन छोड़कर, हालांकि बैठक में रविवार और छुट्टियां शामिल हैं। ग्राम पंचायत, इसका अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गांव के स्तर पर स्वशासन की संस्थाएं। सदस्य, इसका अर्थ है ग्राम पंचायत का सदस्य और इसमें सरपंच भी शामिल हैं। इच्छुक सदस्य, इसका अर्थ है व्यक्तिगत या ग्राम की बैठक के समक्ष रखे गए किसी भी मामले में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वित्तीय हित रखने वाला सदस्य। पंच, इसका अर्थ सरपंच के अलावा किसी पंचायत का सदस्य है। बैठक बुलाने का अधिकार, सरपंच के निर्देश पर सचिव ग्राम पंचायत की बैठक बुलाता है। यदि बैठक बुलाना वैधानिक रूप से आवश्यक है तो सरपंच के परामर्श पर एक निर्धारित अवधि के भीतर बैठक होगी और जिसका समन सचिव करेगा। सरपंच से परामर्श होने के बाद ही सचिव द्वारा बैठक में सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाएगी। यदि सरपंच किसी कारणवश बैठक बुला नहीं पाता है तो उनकी अनुपस्थिति में सक्षम प्राधिकारी ऐसी बैठक बुला सकता है। बैठक का समय, स्थान और क्रमांक, बैठक किसी भी दिन किसी भी समय बुलाई जा सकती है। क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर सुबह 9 से 5 बजे के बीच बैठक ऐसे स्थान पर होगी जिसे ग्राम पंचायत या सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। पंचायत की प्रत्येक बैठक को क्रमानुसार नंबर दिया जाएगा। ग्राम पंचायत की बैठक की सूचना तारीख से कम 5 दिन पहले देनी होगी। यदि अधिकांश सदस्य एक विशेष बैठक बुलाने के लिए सहमत होते हैं तो इसकी सूचना कम समय में दी जा सकती है, परंतु बैठक से कम 24 घंटे पहले इसकी सूचना देनी होती है। बैठक की सूचना में क्रमांक, दिनांक, दिन, समय, स्थल का पूरा पता होना जरूरी है। ग्राम पंचायत सूचना भेजने का प्रमाण भी रखेगी। बैठक का एजेंडा, सचिव एजेंडा और टिप्पणियों को अंतिम रूप देगा और सरपंच के परामर्श से प्रत्येक बैठक का एजेंडा तय करेगा। बैठक में उठाए जाने वाले प्रत्येक विषय को क्रम से क्रमांकित होना अनिवार्य है। बैठक में किए जाने वाले कार्यों की कार्य सूची पर टिप्पणियों के साथ इसके बारे में विवरण का भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। कार्यसूची पर टिप्पणियां बाद में अलग से भेजी जा सकती हैं, लेकिन बैठक से कम 3 दिन पहले नोटिस जारी करना होगा। बैठक के मिनट, प्रत्येक बैठक की कार्यवाही सचिव द्वारा कार्यवृत्त पुस्तक में दर्ज की जाएगी। बैठक में कार्यवृत्त मिनट
बुक में दर्ज होने से पहले तुरंत पढ़ा जाएगा तथा विचार विमर्श के बाद ही दर्ज किया जाएगा। मिनटों का रख रखाव। सचिव कार्य व्रत का रख रखाव करेगा। डिस्टिंक्ट मिनट बुक का रख रखाव ग्राम पंचायत की बैठकें और उसकी समितियों के लिए किया जाएगा। कार्यव्रत हिंदी में या राज्य की आधिकारिक भाषा में बनाकर रखा जाएगा। कार्यव्रत पुस्तक के पृष्ठ क्रमागत होंगे। कार्यव्रत बुक के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ या कार्यव्रत के साथ संलग्न या पृष्ठ को चिपकाया नहीं जाएगा। कार्यव्रत होगी बैठकें तभी सशक्त होंगी पंचायतें।